स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मार्वलस मंत्रा में। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अगर मेरी इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत ही आसान झटपट तरीके से आप अपने घर में चॉकलेट केक बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े से बोल में 1.5 कप कंडेंट मिल्क लिया है। वन फोर्थ कप पिसी हुई चीनी लिया है। 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। 3 इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। हमें तब तक फेंटना है जब तक ये देखिए बिल्कुल ऐसी पोरिंग कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप मैदा। वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/4 कप कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट पाउडर। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। इस तरह से छन्नी से छानने से इसमें एक एरिएशन बनता है। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए मैं गुनगुने दूध का इस्तेमाल करूंगी। मैंने लिया है 1 कप दूध, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूंगी। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 3 सेम साइज के बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। केक बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। उसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। मैं कोई भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब इस कढ़ाई में मैंने जो 3 कटोरियों में अलग अलग करके बैटर रखा हुआ था, उसमें से 1 कटोरी का बैटर मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे लिड लगा के कवर कर दूंगी। अब ये जो छोटा सा आपको ये होल दिखाई दे रहा है जिससे कि स्टीम बाहर आता है, इस होल को हमें बंद कर देना है। केक को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और 5 से 6 मिनट के अंदर ही हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। सेम मेथड से ये दोनों केक भी आपको बना लेना है। आइसिंग के लिए लिया है मैंने 1/4 कप व्हिप क्रीम। 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। और अब एक बीटर की हेल्प से मैं बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लूँगी।
उनको मैंने तब तक वेट किया है जब तक ये लाइट ऑफ फ्लफी नहीं हो गई, और उसके बाद जब मैं ये देखिए नाइफ से उठा रही हूँ तो ये बिल्कुल गिर नहीं रही है, टपक नहीं रही है। उसके बाद मैं इस क्रीम को एक इस तरह के पॉली बैग में फिल कर लूँगी। तीनों ही केक बेस को मैं बराबर एक साइज में कट करके रख लूँगी। केक को सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रखने के लिए मैं इसमें शुगर सिरप लगाऊंगी। तो बस जिस तरह से ब्रेड पे बटर लगाते हैं उसी तरह से मैं केक पे क्रीम लगा रही हूँ। ऐसा कोई ख़ास ट्रिक नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आज की मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं नई नई रेसिपीज़ के साथ आप सबसे मिलती रहूँगी। तो ये देखिए मेरा चॉकलेट केक बनके बिल्कुल रेडी है। डेकोरेट किया है मैंने इसे चॉकलेट सिरप और चॉकलेट चिप्स के साथ। आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी बनके आपका केक तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर से आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।